हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में क्यों छोटे शाहिबजादों का नाम है दर्ज, क्यों हर साल लगाया जाता है फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़ मेला, पूरे विस्तार से जानिए क्या है शहीदी जोड़ मेला का इतिहास। छोटे शाहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को नमन करने के लिए हर साल की तरह ही पंजाब स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में शहीदी जोड़ मेला शुरू हो चुका है। आखिर क्या है ये शहीदी जोड़ मेला और क्या है इसकी ऐतिहासिकता, इसके बारे में बता रहे हैं महंत डॉक्टर सिकंदर सिंह जी, जो कि डेरा बाबा बुद्धदास जी के महंत हैं। आप भी सुनिए विस्तार से आखिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर सिकंदर सिंह जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, फतेहगढ़ साहब की ऐतिहासिक धरती से आज जोड़ मेला 3 दिन नाम का लगता है। छोटे बच्चे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जिन्होंने लासानी शहादत दे के अपनी छोटे छोटिया उम्र देश और कौम की रक्षा ले सरबंसदानी अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब उन्होंने शिक्षा लेंदे हुए गुरु तेग बहादुर जी के परिवार की शिक्षा लेंदे हुए माता गुजर कौर की गोदी च उन्होंने शिक्षा लेंदे हुए आज देश और कौम लई उन्होंने बेडर होके अपनी शहादत इस धरती पर दी और इस धरती पर आज उन्हां दी याद लई उन्हां नूं हर बंदा आसीस चुकाउण लई आज जोड़ मेले च इत्थे हाजर ए जिहड़ी लासानी शहादत देश और कौम लई दित्ती गई वो अज भी उवें ही जिंदा है जदों के शुरू दे विच ही एक मन्नी गई। ए आनंदपुर साहब तों चमकौर साहब तों खंट मानपुर तो मुरंडे तो जिन्होंने बागा वाला कहें उतों चलती हुई ये फतेहगढ़ साहब से पहुँचती है और अज अखीरला दीवान है जिस दे विच पालकी साहब उन्होंने दी याद करद्या हुए उन्होंने ज्योति जोत समाते हुए ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा साहब जाके वो पालकी की समाप्ति उवें ही संगत उन्होंने पिछे ये मन के भी अगे अगे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह उन्होंने ही स्वरूप अगे जा रहे उवें ही संगत उन्होंने पिछे जा रही। सो हर व्यक्ति किसी भी मजहब का होए हिंदू होए भावें वह किसी भी मजहब का होए चाहे वह सरदार जी सरदार तो एक जरा जिमीदार वर्ड है और जोड़ा अज दूरों नेड़ों चल के उसनों इतने आसीस चुकाने लिए आया वो अपन सारिया धर्म परंपरावान तो उठ के इस जगह पर नतमस्तक। तो आज के इस दिहाड़े पर मैं जो चैनल वाले नैटिक चैनल वाले इतने फतेहगढ़ साहब की धरती से चल के आए ने मैं उन्होंने भी बहुत ही मशहूर हाँ जिन्होंने इस इतिहासिक धरती फतेहगढ़ साहब न दुनिया के दिखाने वास्ते ये उपराला किया। ये उपराला उन्होंने कभी ये नहीं होएगा भी इस धरती से आके उन्होंने आशीर्वाद भी मिलेगा अगर उन्होंने निष्काम सेवा की है तो यह निष्काम सेवा उन्होंने हमेशा फल लिया। सो इन शब्दों के नाल मैं चैनल का भी और साध संगत का भी धन्यवाद करदा और इतने सारे आने और साड़ी समुची साध संगत को बाबा बुद्ध आज के लंगर से खड़े होकर साड़ी ये जो मन्नत साड़ी पूरी की है तुसी आके मैं उदां दा भी धन्यवाद करदा। सो एक बारी गज के बुला दिओ मेरे नाल सारे जने रल के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अब आपको हम थोड़ी जानकारी देते हैं छोटे साहिबजादों के ऐतिहासिकता के बारे में। आखिर क्यों इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में इन छोटे साहिबजादों के बारे में दर्ज है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को तब सरहिंद के गवर्नर वजीर खान ने बंदी बना लिया और जबरन इस्लाम कबूल करने का इन साहिबजादों पर दबाव डाला जाने लगा था।
पर दोनों वीर और साहसी साहिबजादों ने ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जिंदा दीवारों में 26 दिसंबर 1705 को चुनवा दिया गया। इस घटना की याद में ही अब वहां एक गुरुद्वारा बना दिया गया है। साहिबजादों की कुर्बानी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।